हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अल्फा मॉनिटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काली किशमिश खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। नारंगी किशमिश खाना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। नारंगी किशमिश खाने के फ़ायदे भी लगभग सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारंगी किशमिश से ज़्यादा काली किशमिश खाना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। काली किशमिश खाने से कई बीमारियां दूर होती है। काली किशमिश में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। काली किशमिश काले अंगूरों से बनती है, लेकिन काली किशमिश का सेवन एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर आप काले किशमिश का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये स्वास्थ्य को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं काले किशमिश खाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदों के बारे में। नंबर एक है, एनीमिया की शिकायत होती है दूर। आजकल लोगों में एनीमिया यानी कि खून की कमी की शिकायत देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप रोज़ाना काले किशमिश का सेवन करते हैं तो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे शरीर में खून की कमी दूर होती है। क्योंकि काली किशमिश में आयरन पाया जाता है, इसके लिए रात में ही 7 से 8 किशमिश पानी में भिगोकर रख दें और फिर अगले सुबह इसे उठकर खा लें। ऐसा करने से एनीमिया की शिकायत दूर हो जाएगी। नंबर दो है, पाचन तंत्र होता है मजबूत। काली किशमिश का सेवन पेट के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है, क्योंकि काली किशमिश में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसीलिए अगर कोई रोज़ाना नियमित रूप से काली किशमिश का सेवन करता है तो इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है, साथ ही कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। नंबर तीन है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल। काली किशमिश का सेवन हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि काली किशमिश में पोटेशियम मौजूद होता है। इसीलिए अगर कोई काली किशमिश का सेवन करता है तो इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नंबर चार है, त्वचा के लिए फ़ायदेमंद। काली किशमिश का सेवन न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि काली किशमिश में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसीलिए अगर कोई रोज़ाना नियमित रूप से काली किशमिश का सेवन करता है तो इससे त्वचा संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होती। नंबर पाँच है, हड्डियाँ होती है मजबूत। काली किशमिश में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका सेवन करने से हड्डियाँ मजबूत बनती है। नंबर छः है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मजबूत। काली किशमिश पोषक तत्वों से भरपूर होती है। काली किशमिश में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए रोज़ाना नियमित रूप से इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे आप किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और दोस्तों, अगला फ़ायदा है, काली किशमिश का सेवन हृदय के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि काली किशमिश में फाइबर मौजूद होता है, इसीलिए इसका सेवन हृदय के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही यह खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। काली किशमिश एक हाई ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ है, इसीलिए इसका सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है। नंबर दो है, काली किशमिश में कैलोरी की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। नंबर तीन है, काली किशमिश से कई लोगों को एलर्जी होती है, इसीलिए किशमिश खाने से त्वचा संबंधी अगर आपको कोई परेशानी हो तो किशमिश नहीं खानी चाहिए। और नंबर चार है, काली किशमिश का ज़्यादा सेवन करने से डायरिया की शिकायत हो सकती है। डायरिया बोले तो आपको दस्त लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें।